नमस्कार। एक पिता का अपने भगवान पर भरोसा कि ये सब प्रभु की लीला है। आज चौबे जी की पत्नी का दिमाग बहुत ज़्यादा ही गर्म लग रहा था। हर समय माला लेकर बैठे रहते हो, कुछ पैसे धेले का इंतज़ाम करो। लड़की के लिए लड़का नहीं देखना, निर्मला ने रोज की तरह सुबह से ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ईश्वर पर विश्वास रखो, समय पर सब हो जाएगा, चौबे जी ने अपना गमछा संभालते हुए कहा। ईश्वर तो जैसे घर ही बैठे हों लड़के को भेज देंगे, उनके पास तो कोई काम धाम तो है नहीं सिर्फ आपका ध्यान रखने के अलावा। अरे क्यों पूरा दिन चक चक करती रहती हो, चौबे जी को कभी भी गुस्सा नहीं आता, वो तो बस पूरा दिन बस लड्डू गोपाल के बारे में ही सोचते हैं। जयपुर वाली मौसी बता रही थी उनके रिश्तेदारी में एक लड़का है, अब देख कर तो आओ, जब जेब में 1000-2000 रुपये होंगे तब ना, जो 2-4 हज़ार रुपये बचते हैं उन्हें आप अपने दोस्तों को उधार दे देते हो। आज तक लौटाए हैं क्या किसी ने? आज तक किसी चीज़ की कमी हुई है? आगे भी नहीं होगी ईश्वर की कृपा से, तुम तो मुझे भजन भी नहीं करने देती। भजन ही करना है थी तो शादी क्यों की? अब तो बैठे बिठाए तुम्हारी लड़की की शादी भी कर जाएंगे। हाँ हाँ रहने दो, बस लो थैला पकड़ो और सब्जी ले आओ। निर्मला का दिमाग आज बहुत गर्म लग रहा था। और हाँ, जिस लड़के के बारे में मैंने बात की है उसके बारे में जरा सोचना, परसों जाना है तुम्हें। अब थोड़े बहुत पैसों के लिए FD तो तुड़वाओगे नहीं, जो यार दोस्तों को उधार दे रखे हैं उनसे जरा मांग लो। थैला लेकर निकल तो गए लेकिन विचार यही है मन में कि पैसे का इंतज़ाम कैसे होगा। सब्जी लेने से पहले ज़रा अपने दोस्त से अपने पैसों की बात कर ली जाए। जिस शोरूम में काम करता था वो भी उसी सब्जी मंडी के पास में ही था। राकेश ने अपने मित्र को देखा तो गले से लगा लिया। अरे चौबे जी कैसे आना हुआ? कुछ नहीं भैया, कुछ समस्या आन पड़ी है, पैसों की सख्त ज़रूरत है। अपने ही पैसे चौबे जी इस तरह से मांग रहे थे जैसे उधार मांग रहे हो। देखता हूँ, साहब से बात करता हूँ, 6 दिन पहले ही विदेश से आए हैं, ऐसे 6 शोरूम हैं उनके पास, बात करके तुम्हें बता दूंगा। और बताओ ललिया ठीक है ना? कैसी चल रही है उसकी योगा क्लास? बढ़िया चल रहा है, सुबह 5 बजे जाती है और पूरा 5000 कमाती है, चौबे जी ने बड़े गर्व से कहा। सर्व संपन्न है मेरी लाली। केबिन से बाहर निकले ही थे कि एक जगह उनकी नज़र टिक गई। इतनी सुंदर मूर्ति लड्डू गोपाल की? चौबे जी ऐप लग देखते रहे जैसे अभी बात करेगी ये। तभी राकेश ने ध्यान भंग करते हुए कहा, बड़े साहब ने ऑर्डर देके बनवाई है, बाहर से बनकर आई है, ऐसी 3 बनवाई है। रास्ते भर मूर्ति की छवि उनकी नज़रों से ओझली नहीं हुई थी, काश वो मूर्ति उनके पास होती। भूल नहीं पा रहे हैं, अगर उनके पास होती तो कैसे निहालते, क्या क्या खिलाते, कब क्या आया जाता पता ही नहीं चला। लेकिन घर के सामने इतनी भीड़ क्यों है? गाड़ी तो काफ़ी महंगी लग रही है। अपने घर के दरवाजे में घुसने वाले ही थे कि थैला हाथ से छीनकर निर्मला ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। कौन आया है? अंदर सूट बूट में एक आदमी बैठा है, निर्मला जी ने चौबे जी को बताया। चौबे जी को देखते ही वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राधे राधे चौबे जी, बैठिए, क्षमा कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे आप कैसे पहचानेंगे, हम पहली बार मिल रहे हैं, उसने बड़ी शालीनता के साथ जवाब दिया। जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दरअसल मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। सीधा सीधा बताइए ना। चौबे जी सोच में पड़े थे कि जाने क्या मांग ले, इतने बड़े आदमी को
मुझसे क्या चाहिए? आज से 4 दिन पहले मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, लेकिन उस दिन मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। मुझे हार्ट अटैक आ गया। आसपास में कोई नहीं था मदद के लिए, ना मैं कुछ बोल पा रहा था। तभी एक लड़की स्कूटी से आती है। मुझे सड़क पर पड़े हुए देखकर उसने अपनी स्कूटी रोकी। अकेली वो मुझे उठा नहीं सकती थी। फिर अपनी स्कूटी से दूर की दुकान पर जाकर एक आदमी को बुलाकर लाई। उसकी मदद से उसने मुझे अपनी स्कूटी पर बिठाया और मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद मेरा अंत निश्चित था। और वो लड़की और कोई नहीं, आपकी बेटी थी। उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर आप लायक समझे तो मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। जो अनजान की मदद कर सकती है, वो अपने परिवार का कितना ध्यान रखेगी? चौबे जी एकदम जड़ हो गए। विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या ये सच में हो रहा है कि मुझे किसी के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ा। इस स्थिति से बाहर नहीं निकले थे कि तभी उनके पास रखे हुए बैग में से एक बड़ा सा बॉक्स निकाला। इसमें वही मूर्ति थी जिसे अभी शोरूम में देखकर आए थे। वो आंखों के सामने से ओझल नहीं हो रही थी, जिसे देखते ही मन में ये ख्याल आया था कि काश मेरे मंदिर में होती। ऊपर वाले ने प्रमाणित कर दिया कि मुझे उसका जितना ख्याल है उसे मेरा मुझसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, जो अच्छे कर्म करता है प्रभु भी उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करता है। हमेशा सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वो ही हमारे लिए पर्याप्त है। उसी में हमें संतुष्टि धारण करनी चाहिए और प्रभु का सदैव धन्यवाद देना चाहिए कि हमें सद्बुद्धि और अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करें। तो दोस्तों, ये थी प्रभु की लीला की कहानी। आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कहानी सुनने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।